फूडीज, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज आपके साथ मैंगो और क्रीम का बहुत ही इंटरेस्टिंग और फटाफट बनने वाला डेजर्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फायरलेस कुकिंग है तो बच्चे भी बना सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके लिए करना क्या है, हमने मार्केट में मिलने वाला ये व्हिपिंग क्रीम पाउडर लिया है। इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 सर्विंग्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर लगभग 1/4 पाउडर का इस्तेमाल कर लिया है। ये 100 ग्राम की पैकिंग है तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से इसकी मात्रा ले सकते हैं। और इस क्रीम पाउडर को हमको ठंडे चिल्ड दूध से मिलाना है, मिक्स करना है। और देखिए इस तरीके का कुछ बैटर तैयार होगा और बस अब आप इसको व्हिस्क करना है। 10 से 12 मिनट लगते हैं हैंड व्हिस्कर में। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक व्हिस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो नीचे बर्फ़ का या चिल्ड पानी का बोल रख लें तो क्रीम आसानी से फिट जाती है। तो फ्रेंड्स, जब तक आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, तब तक हम क्रीम को फिटते हैं। जी, लगभग आधी हमारी क्रीम डन हो गई है। इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर एक बादाम आम का यूज़ किया है। ये थोड़ा मीठा कम होता है तो इसमें हमने 2 चम्मच पिसी हुई शुगर का इस्तेमाल किया है। यदि आप कोई भी वैरायटी का आम इस्तेमाल करते हैं उसकी मिठास पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी शुगर ऐड करनी है, या आप शुगर फ्री भी बना सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम वाला जो पाउडर है उसमें ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है तो उस हिसाब से इसमें शुगर ऐड करिए और इसका एक प्यूरे हमको तैयार कर लेना है। देखिए हमने 2-3 हाथ और मारी है तो व्हिपिंग क्रीम व्हिप हो गई है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है देखने का कि इसको बोल को जब हम उल्टा करेंगे तो ये बिल्कुल भी गिरेगी नहीं, तो यानी कि इसमें सिर्फ पीक आ गए हैं। तो हमारी व्हिपिंग क्रीम लगभग तैयार है, बस इसमें हम जो है मैंगो प्योरे मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर किसी और फल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें पल्प हो, लाइक स्ट्रॉबेरी या जामुन या जो भी आपका मनपसंद फ्रूट हो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। जी, हमने यहाँ पर अपना मैंगो का पल्प मिक्स कर दिया है। अब इसको जो है 5 मिनट तक अच्छे से व्हिप कर लेंगे जिससे कि मैंगो और क्रीम आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जी फ्रेंड्स, हमारी क्रीम बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पर सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने थोड़ा सा एप्पल ले लिया है और बनाना है, इसके साथ ही कुछ हमारे पास पोमग्रेनेट्स हैं और ग्रेप्स हैं। आप जो भी फ्रूट्स हैं वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि वो फ्रूट्स सिट्रस ना हो, लाइक संतरा वगैरह, तो उनका स्वाद अच्छा नहीं आता है इसमें। तो आप जो भी चाहें वो फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जी, हमने सर्विंग
बोल्स निकाल लिए हैं, फिल कर दीजिए अच्छे से। और जो थोड़ी जो क्रीम हमने व्हिप करते समय थोड़ी सी वाइट क्रीम निकाल ली थी, ऊपर से आइसिंग कर दीजिए या नहीं भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा देखने में और अच्छा लगने लगता है बस, और कुछ बात नहीं है। और थोड़े से फ्रूट्स जो है हमने ऊपर से इसमें डाल देने हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं आप, तो वो भी खाने में और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऊपर से थोड़ा सा हर्शीज़ जो शिरप आता है उससे हमने गार्निश कर दी है। आप मन चाहे फ्लेवर का ये डेज़र्ट बना सकते हैं, फटाफट बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इन गर्मियों ये डेज़र्ट ज़रूर से ट्राई करिए, बच्चे आपके खुश हो जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ, इन्जॉय करिए और मिलते हैं जल्दी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।